स्वर कोकिला लता मंगेशकर रोज देखती थी एक ही सपना। लता मंगेशकर की मां ने बताया था सपने का मतलब। क्या था वो सपना जो बाद में सच हो गया? स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर की आज पहली पुण्यतिथि है। पिछले साल 6 फरवरी को उनका निधन हो गया था। संगीत की दुनिया की वो एक अनमोल हीरा थी जिसके बारे में तो हर कोई जानता है। एक महान इंसान के साथ उनकी जीवन की कई कहानियां जुड़ी होती हैं जिनके बारे में चर्चाएं होती ही रहती हैं, लेकिन लता दीदी की जीवन से जुड़ी एक ऐसी अनसुनी कहानी है जिसे शायद ही लोगों ने सुनी है। ये कहानी उनके एक सपने से जुड़ी है। चकित कर देने वाली बात यह है कि वो ये सपना रोज देखा करती थी। इसके बारे में उन्होंने अपनी माँ को भी बताया था। फिर उनकी माँ ने उन्हें इस सपने का मतलब बताया था जो आगे चलकर पूरा भी हो गया। दरअसल 20 साल की उम्र में वो अपने काम में काफ़ी बिजी रहती थी। एक पर एक करके एक ही दिन में वो कई गाने रिकॉर्ड करती थी। उस वक्त जब वो सोती थी तब उन्हें एक सपना आया करता था। उनको एक ही सपना रोज आता था। शुरुआत में तो उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उनको ये सपना लगातार आने लगा तब वो परेशान होने लगी। उन्होंने अपनी माँ से बताया था कि सपने में वो देखती हैं कि सुबह के वक्त वो समुद्र के पास काले पत्थर के पास बने मंदिर में अकेली खड़ी हैं, और जब वो उस मंदिर के पास पहुँचती हैं तो उस मंदिर के पीछे उन्हें एक दरवाज़ा भी दिखता है। वो दरवाज़ा खोलती हैं तो काले पत्थर की सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाती हुई दिखती हैं जहाँ रंग बिरंगा पानी दिखाई देता है। फिर जब वो काले पत्थर की सीढ़ियों पर बैठ जाती हैं तो कलरफुल वाटर उनके पैरों को छूता है। फिर उनकी माँ ने उन्हें उस सपने का मतलब बताया। उनकी माँ ने बताया था कि उनको ये भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि एक दिन ऐसा आएगा कि वो काफ़ी मशहूर हो जाएंगी। अब जब उनकी ज़िंदगी के बारे में सबको पता है, लता मंगेशकर अपनी मेहनत और कला के दम पर पूरी दुनिया में मशहूर हैं। उस वक्त हालात ये हो गए थे कि फिल्म जगत का हर प्रोड्यूसर उनसे गाने गवाना चाहता था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो जिस गाने को गाएंगी वो गाना हिट ही होगा। ऐसे में लता मंगेशकर को रोज आने वाला सपना पूरी तरह से सच हो गया। ये भगवान का आशीर्वाद ही था कि लता मंगेशकर के गाने हर कोई पसंद करता है। तभी तो उन्हें स्वर कोकिला कहा जाता था। सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार ने उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा था। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।